हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल सा 3 इजी सेल्फ हेयर स्टाइल। तो काफ़ी वीडियो होने वाली, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए। चैनल बनाए हो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना और लाइक तो भर भर के दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड चैनल है प्रीत तिवारी 2, जिसपे मेरी ब्लॉग वीडियोज अपलोड होती रहती है। और ये मेकअप कैसे किया है मैंने, अगर जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं ये मेकअप करके आप लोग को दिखा पाऊँ। काफ़ी अच्छा है, बहुत इजी तरीके से किया है। तो आपको अगर जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको फुल स्टेप बाय स्टेप करके आप लोग को बता दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट हेयर स्टाइल है उसके लिए आपको बहुत ईजी है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको कुछ बॉबी क्लिप्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बॉबी क्लिप नहीं यूज करना है, टिकटेक क्लिप से भी काम चल जाएगा। एंड यू पिंस चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मिडिल पार्टीशन से कर रही हूँ। आपको अगर साइड पार्टीशन रखना है तो आप साइड पार्टीशन रख सकते हो, ओके। इस तरीके से मिडिल पार्टीशन से हेयर को लिया है और सिंपली यहाँ से इस तरीके से उठाऊँगी और ट्विस्ट कर दूँगी। ट्विस्ट करके सेंटर तक लेके जाएंगे, अंदर के हेयर को अच्छे से फिनिशिंग कर लीजिएगा। मैंने अभी हेयर कट किया था फिलहाल में ही, जिसकी वीडियो अपलोड हो गई है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको कुछ करना है एंड यहाँ पे बॉबी क्लिप से सिक्योर कर देना है, बिल्कुल क्राउन एरिया के जस्ट नीचे। दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से हेयर को उठाएंगे, देन ट्विस्ट करेंगे। और जो हमने क्लिप्स लगाई थी बस उसके ऊपर ही ले जाके इसको भी सिक्योर कर देना, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, सारे बालों को एक साथ इकट्ठा करना है। और लंबे बाल है तो डायरेक्ट चोटी गूंथ लीजिएगा, छोटे हैं तो थोड़ा सा रबड़ बैंड यूज कर लीजिएगा। तो मेरे बाल बहुत लंबे भी नहीं हैं और बहुत छोटे भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे रबड़ बैंड यूज कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा क्राउन एरिया के हेयर को खींचूंगी। अब आपको क्या करना है, इसमें सिंपली चोटी बना लेनी है। चोटी को पूरा एंड तक गूंथेंगे। पूरा एंड तक गूंथने के बाद से अगर पतले हल्के बाल हैं तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा खींच लीजिएगा, जिससे कि जो आपका बन बनेगा वो थोड़ा सा हैवी दिखे। क्योंकि एक तो बाल छोटे हैं, ऊपर से पतले भी हैं, तो बन जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए आपको इस तरीके से खींच लेना है, ओके। एंड पार्ट पर एक छोटा सा रबड़ बैंड लगा लेना है। लंबे बाल वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके छोटे बाल हैं, पतले बाल हैं, उनको एक रबर बैंड की ज़रूरत पड़ेगी और गर्मियों के लिए बेस्ट रहेगा ये हेयर स्टाइल। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस तरीके से लपेटना है एंड पार्ट तक बॉबी क्लिप या यू क्लिप से इसको सिक्योर करना है। अच्छे से यू पिंस लगा लेना है और ऑलमोस्ट डन है हमारा बन हेयर स्टाइल। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया है, जो कि काफ़ी इजी है, काफ़ी आसान है एंड गर्मियों के लिए बेस्ट रहेगा। एंड सबसे अच्छी बात कि हम लोग छोटे बालों में भी इसको बना सकते हैं। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में हम लोग साइड से ट्विस्टिंग स्टार्ट करेंगे, इस ईयर से स्टार्ट करेंगे एंड इस ईयर तक जाएगा। उसके लिए आपको ईयर टू ईयर पार्टीशन कर लेनी है पहले ही।
और यहाँ से ट्विस्टिंग स्टार्ट करेंगे, पतला सा एक लेयर लेंगे एंड ट्विस्ट करना इस तरीके से स्टार्ट कर देंगे। ये वाला भी हेयर स्टाइल काफी अच्छा लगता है और बहुत इजी है। यहाँ पे आपको दो टिक टिक क्लिप क्लिप की मदद से इसको सिक्योर कर लेना है एंड सारे बालों को इसके ऊपर से इस तरीके से गिरा देना है। तो ये खुले बालों के लिए रहे और काफी अच्छा लगेगा ये। इसको आप सेटिंग स्प्रे से सेट कर लीजिएगा जिससे कि आपका स्कैल्प जो है वो दिखाई ना दे। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ से हेयर को इस तरीके से उठाना है और ट्विस्ट करना है। ओके, ट्विस्टिंग को बैक तक लेके जाना है। मेरे हेयर काफ़ी शॉर्ट है, जैसे फ्रंट का जो हेयर है वो शॉर्ट है तो मेरा बैक तक जा नहीं रहा है, तो मैं इतना हेयर ले रही हूँ एंड अगेन ट्विस्टिंग करूँगी शायद चला जाए। तो इस तरीके से ट्विस्टिंग करना है एंड बैक में क्राउन एरिया के जस्ट नीचे आपको क्लिप लगा देना है। फिर सेकेंड लेयर लेंगे और ट्विस्टिंग स्टार्ट करेंगे। उसी क्लिप के अंदर इसको भी लगा देंगे। थर्ड लेयर लेंगे, फिर इसको भी उसी क्लिप के अंदर लगाते जाएंगे। फोर्थ लेयर लेंगे, ओके, देन इस साइड से भी सेम इसी तरीके से आपको करना है। जहाँ पे हमने पहले क्लिप्स लगाई थी जस्ट उसके ऊपर ही इसको भी लगाते जाएंगे। अभी हमारा लास्ट है, और क्लिप को टाइट करने के लिए एक बार और क्लिप आप यूज कर सकते हो जिससे कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो इधर उधर ना हो। तो बैक से कुछ इस तरीके का लुक आएगा। आप चाहो तो ओपन भी रख सकते हो, बट अगर आपको ओपन नहीं रखना है तो आप थोड़ा सा जूड़ा वगैरह भी बना सकते हो इसमें, लो बन हेयर स्टाइल। तो आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लीजिएगा, अगर इधर उधर गया है तो आपका जो आपने लेयर्स बनाई हैं ट्विस्टिंग की तो कुछ इस तरीके का लुक आएगा। इसको आप ओपन बालों के साथ, छोटे बालों के साथ ही कैरी कीजिएगा तो ज़्यादा प्यारा लगेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा हेयर इस तरीके से पार्ट उठाना है,
सिंपली ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करके क्लिप्स के ऊपर रखना है एंड यू पिन से सिक्योर कर देना है। और ये आपका हेयर स्टाइल, प्यारा सा हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट डन हो चुका है। मुझे बैक से तो नहीं दिख रहा है, बट आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है बैक से एंड फ्रंट से। इस तरीके का लग रहा है ये, तो फ्रंट से भी नॉट बैड, अच्छा दिख रहा है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। लेयर्स निकालनी है तो आप लेयर्स निकाल लीजिएगा एंड हेयर स्टाइल कम्प्लीट है। तो कैसा लग रहा है आपको हेयर स्टाइल? तीनों हेयर स्टाइल में से कौन सा बेस्ट लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा एंड बेल आइकन को प्रेस करके लाइक कर दीजिएगा। सेकंड चैनल पर भी जरूर जाइए, प्रीति वारी 2 सेकंड चैनल का नेम है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक उतना ख्याल रखिए, बाय बाय।